Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we will discuss about the second part of the nutritional consideration in liver disease. यानी liver disease में हम किस तरह जो है nutrient की combination set कर लेते हैं, liver की जितने भी problems हैं जिसके बारे में हमने detail से बात की थी, उन problems के हवाले से कौन से food items है, कौन से nutrients है जो कि इस problem को हल करता है, और वो कौन से nutrients है जो कि इन problems को more complicated की तरफ ले जाते हैं. डायट्री मैनेजमेंट ऑफ गॉलस्टोन जिसको हम कहते हैं कोलीलिथियसिस, यानी अगर गल ब्लेडर के अंदर स्टोन बन जाए, पत्थर बन जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कोलीलिथियसिस, या इसका दूसरा नाम है गॉलस्टोन. यानी गॉलस्टोन इज द कंडीशन वेयर अ स्टोन इज फॉर्म इनसाइड द गॉल ब्लेडर, और ये स्टोन मुख्तलिफ किस्म के फास्फोरिक, कैल्शियम वगैरह की कम्बिनेशन होती है. तो देखिए, अगर एक पेशेंट गॉलस्टोन के साथ है तो उसके लिए हम कौन से फूड आइटम रिकमेंड कर सकते हैं, और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है. कम्युनिटी में मुख्तलिफ लोग, आप लोग देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि जब वो अल्ट्रासाउंड करे तो अल्ट्रासाउंड के बाद उसके गॉलस्टोन या कोलीलिथियसिस डायग्नोस होता है, तो उसके लिए डॉक्टर कुछ फूड आइटम रिकमेंड करते हैं और कुछ उससे प्रिवेंट करते हैं. कुछ आइटम्स के बारे में उसको बताते हैं कि आप ये इस्तेमाल करें ताकि इसकी वजह से आपका गॉलस्टोन जो है वो डिसॉल्व हो जाए, और कुछ से जो है पेशेंट को प्रिवेंट करता है कि आप फुला फुला चीज़ जो है ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके गल ब्लेडर के जो स्टोन है उसको मज़ीद उसकी साइज़ को बढ़ा देता है. तो इसके लिए कौन सी जो है वो डाइट मैनेजमेंट है, वो कौन से डाइट है दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट हैविंग गॉल स्टोन. तो सबसे फर्स्ट वन क्या है, डाइटरी फैक्टर दैट में इंक्रीज रिस्क इंक्लूड. अब देखिए, वो डाइटरी फैक्टर, वो फूड आइटम्स जो कि गॉल ब्लेडर की स्टोन को जो है इसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गॉल ब्लेडर की स्टोन कास करता है, वो कौन कौन से है. तो सबसे पहले क्या है, कोलेस्ट्रॉल, सेचुरेटेड फैट, रिफाइंड शुगर एंड पॉसिबली लिग्यूम्स. तो देखिए, ये जितने भी फूड आइटम्स है, एमसीक्यूज में भी आप लोगों से इस तरह पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलीलिथियसिस. तो देखिए, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल है, सेचुरेटेड फैट्स है. देखिए, एक है अनसेचुरेटेड, दूसरे सेचुरेटेड का मतलब यह है कि इसके अंदर कोई जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता इस फैटी एसिड के अंदर. इसी तरह रिफाइंड शुगर, जितनी भी शुगर है जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर लेते हैं, एंड पॉसिबली लिग्यूम्स. लिग्यूम्स का मतलब है ड्राई फ्रूट्स, मुख्तलिफ किस्म के जो ड्राई फ्रूट्स हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. मोस्टली दीज फूड आइटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजेशन ऑफ गॉलस्टोन, या इसको हम कहते हैं कोलीलिथियसिस. ओबिसिटी इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर गॉल स्टोन. ओबिसिटी भी जो है ये एक रिस्क फैक्टर है गॉल ब्लेडर स्टोन के लिए. और ओबिसिटी किस तरह, क्योंकि ओबिसिटी में गॉल ब्लेडर की जो वेन्स है जिसको हम कहते हैं पोर्टल वेन्स, या उसके आर्टरीज जो है वहाँ पे डिपोजिशंस होती है किस चीज़ की, फैट्स की, और इस फैट्स की डिपोजिशन की वजह से फिर उसको ब्लड की सप्लाई नहीं होती. जब ब्लड की सप्लाई स्टॉप होती है तो वहाँ पे जितना भी बाइल स्टोर होता है वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इसकी वजह से गॉल ब्लेडर स्टोन, या इसको हम कहते हैं कोलीलिथियसिस काज होती है. डाइटरी फैक्टर दैट में प्रिवेंट द डिवेलपमेंट ऑफ गॉल स्टोन इंक्लूड. अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वो कौन से फूड आइटम्स है जो कि गॉल ब्लेडर स्टोन को डिसॉल्व करता है, गॉल ब्लेडर स्टोन को जो है वो खत्म कर लेता है. तो इसमें सबसे पहले क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट. अनसैचुरेटेड फैट का मतलब यह है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है. मोनो अनसैचुरेटेड फैट, तो देखिए, मोनो अनसैचुरेटेड फैट का मतलब यह है कि इसमें एक जो है वो अनसैचुरेटेड फैट्स की एक एलिमेंट जो है, या एक एटम्स, या एक पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं. पॉली का मतलब यह है कि ज़्यादा, अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स को कंबाइन करें तो उसको हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड. फाइबर्स यानी वो फूड आइटम जिसमें रेशिज मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं फाइबर, एंड कैफीन एंड वेजिटेबल, मुख्तलिफ किस्म के कैफीन्स जो कि टी वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स, ये रिस्पॉन्सिबल है गॉल स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए. तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आप लोग ये रिमेंबर रखें कि वो कौन से डाइटरी फैक्टर्स है, वो कौन से डाइटरी आइटम्स है जो कि गॉल ब्लेडर स्टोन को इन्हांस करता है, और इसके बाद वो कौन से डाइटरी फैक्टर है जो कि गॉल ब्लेडर स्टोन को प्रिवेंट करता है. ये कुछ इसकी एग्जाम्पल्स है. न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दैट माइट हेल्प प्रिवेंट गॉल स्टोन इंक्लूड्स विटामिन सी एंड आयरन. तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स में अगर हम टेबलेट फॉर्म में इस्तेमाल करें तो दो टाइप के जो है वो न्यूट्रिएंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है गॉल ब्लेडर स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए, यानी गॉल ब्लेडर स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए. तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है विटामिन सी, और दूसरा है आयरन. यानी अगर एक पेशेंट जो है उसको गॉल ब्लेडर स्टोन की पेन हो रहा है, या इसके अंदर गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोन है जिसको हम कोलीलिथियसिस कहते हैं, तो इस पेशेंट को हम रिकमेंड कर लेते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी, जितने भी जूसेज हैं, लेमन जूसेज हैं, मुख्तलिफ किस्म के वो आइटम्स जहाँ पर विटामिन सी प्रेजेंट है, इस तरह विटामिन सी के कुछ टेबलेट भी आते हैं, जिस तरह सिकान है,
तो हम पेशेंट को रिकमेंड कर लेते कि आपने विटामिन सी कंटेनिंग टैबलेट्स प्लस आयरन जो है ये इस्तेमाल करना है। इन एडिशन प्लांट टर्पेंस रोवा कोल हैज बीन यूज्ड विद सम सक्सेस टू डिसॉल्व गॉलस्टोन। इसके साथ प्लांट टर्पेंस ये कुछ केमिकल्स हैं जिसको हम मुख्तलिफ किस्म के हकीमी दवाइयों वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसको ऐड किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के जो है एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी, तो ये यूज़ कर लेते हैं हम चीज़ के लिए गॉल ब्लैडर स्टोन को डिजॉल्व रखने के लिए। द गॉल ब्लैडर फ्लश इज अ फॉल्क रेमेडी सेट टू प्रमोट द पैसेज ऑफ गॉल स्टोन। इसके साथ गॉल ब्लैडर फ्लश ये एक रेमेडी है, ये एक टेक्निक है, ये एक ट्रीटमेंट है जो कि यूज़ होता है फॉल्क रेमेडी में। फॉल्क रेमेडी हमारी जो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ है जो कि हमारे आबा और अजदा उसको फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं फॉल्क रेमेडी। यानी कम्युनिटी में आप लोग मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट देखते हैं जो कि किसी भी बुक में इंक्लूड जो है नहीं है, लेकिन कम्युनिटी के ओल्ड जितने भी ओल्ड वहाँ पे लोग होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं और उसकी वजह से हम उससे सीखते हैं, तो उस तरीकों को हम कहते हैं फॉल्क रेमेडी। तो कुछ फॉल्क रेमेडी जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर फ्लश ये भी हम यूज़ कर लेते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने के लिए। अब ये गॉल ब्लैडर फ्लश क्या है वी विल टॉक अबाउट। A remedy called a gall bladder flush or liver flush is a popular remedy in alternative medicine. तो देखिए alternative medicine का मतलब यह है कि हम अपनी daily life की जितनी भी activities है उसके जरिए हम एक treatment कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं alternative medicine। जिस तरह मैंने आपको example दिया, for example acupuncture है, for example pressures है, इसके साथ साथ जो है मसाज है, ये मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन। यानी इसमें हम किसी ड्रग्स वगैरह की इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमारी जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ की चीज़ें हैं हम उसके ज़रिए एक ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस रेमन को, इस तरीके को हम कहते हैं गॉल ब्लैडर फ्लश या इसको हम कहते हैं लिवर फ्लश, और ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन की एक टेक्निक है। इन दिस ट्रीटमेंट ऑफन सेल्फ एडमिनिस्टर द पेशेंट ड्रिंक 4 glasses ऑफ प्योर एप्पल जूस। तो देखिए इस रेमेडी में यानी एक सेल्फ एडमिनिस्टर जो है ये एक रेमेडी है, एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें एक पेशेंट खुद अपनी ट्रीटमेंट कर सकता है अगर हम उसको थोड़ा सा गाइड करें। तो देखिए इसमें ये प्रोसीजर हम किस तरह अप्लाई करते हैं, तो इसमें 4 glasses ऑफ प्योर एप्पल जूस, यानी इसमें एक पेशेंट जो है वो 4 glasses ऑफ प्योर एप्पल जूस जो है वो पी लेता है, और इसके बाद ईट 5 apples पर डे फॉर 5 days, और इसके बाद 5 apples यानी मतलब क्या है 4 glasses ऑफ प्योर एप्पल जूस और इसके साथ साथ 5 apples पर डे पर 5 days, यानी 5 दिन के लिए वो रोजाना 4 glass जो है एप्पल जूस और 5 जो है वो एप्पल्स का लेता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गॉल ब्लैडर फ्लश या इसको हम कहते हैं लिवर फ्लश। देन फास्ट ब्रीफली, और इसके बाद जब एक पेशेंट ये इस्तेमाल करे तो इसके बाद वो थोड़ा सा जो है वो फास्टिंग करता है, उसके बाद वो कुछ नहीं खाता। टेक मैग्नीशियम, इसके बाद वो मैग्नीशियम की टेबलेट लेता है, एंड देन ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस मिक्स विद ऑलिव ऑयल्स बिफोर बेड। और इसके बाद यानी वो कुछ टाइम के लिए वो फास्टिंग करते हैं कुछ टाइम के लिए, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट ये टेक्निक्स यानी ये जितने भी प्रोसेस है अगर वो अप्लाई करे तो इसके बाद वो कुछ टाइम के लिए जो है वो फास्टिंग इख्तियार कर लेता है, और इसके बाद वो मैग्नीशियम लेता है, और मैग्नीशियम के फौरन बाद वो लेमन जूस जो है वो प्रिपेयर कर लेता है और इसमें कुछ ओलिव ऑयल्स यानी ओलिव ऑयल जो है वो इसमें मिक्स कर लेता है जिसको हम कहते हैं जैतून का तेल, वो इसमें मिक्स कर लेता है और उसको जो है बिफोर बेड यानी सोने से पहले उसको पी लेता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे पेनलेसली पास अ नंबर ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन पेबल्स फ्रॉम द बाइलरी सिस्टम। और इसी तरह जब वो सो जाए ये प्रोसेस जो है अप्लाई करके इसके बाद सो जाए तो नेक्स्ट मॉर्निंग में उसके गॉल ब्लैडर से जितना भी वहाँ पे स्टोन्स है वो बिल्कुल वहाँ से जो है वो रिमूव होगी। एप्पल्स आर अ सोर्स ऑफ पेक्टिन। तो देखिए अब ये एप्पल हम जो एप्पल की जूस पी लेते हैं या हम एप्पल्स का लेते हैं 5 apples पर डे या 4 glasses ऑफ एप्पल पर डे 5 days के लिए, अब इनमें कौन सा चीज़ प्रेजेंट है जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करता है। तो देखिए इसके अंदर प्रेजेंट होता है पेक्टिन। अब देखिए ये पेक्टिन्स क्या है, पेक्टिन इज अ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एक कार्बोहाइड्रेट्स है विच हैव बीन शोन टू स्क्वेस्टर बाइल्स एंड फेसिलिटेट इट्स एलिमिनेशन इन द स्टूल। और इसका ये काम है कि ये बाइल को यानी गॉल ब्लैडर को इसी तरह कंस्ट्रिक्ट कर लेता है, और जब उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाए गॉल ब्लैडर के वाल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए तो उसकी वजह से ईजिली जो है वो स्टोन पास होता है। डाइटरी मैनेजमेंट एंड लिवर डिजीज, अगेन इन पेशेंट विद बैडली डैमेज लिवर प्रोटीन आर नॉट प्रॉपरली प्रोसेस्ड। तो देखिए हमने इनिशियल बात की कि गॉल ब्लैडर, हमने फर्स्ट टाइम पे बात की कि लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स।
तो देखिए, अगर जाहिरी बात है, अगर लीवर की डिजीज़ है तो वहाँ पे प्रोटीन की प्रोसेसिंग नहीं होती, वेस्ट प्रोडक्ट में बॉयल्स अप एंड अफेक्ट द ब्रेन। और इसी तरह जब प्रोटीन की, फैट्स की और लिपिड की जो है वो मेटाबॉलिज्म नहीं होती, तो उसकी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिपॉजिट होते हैं, इसकी डिपोजिशन होती है, इसकी एकमुलेशन होती है ब्लड के अंदर, और इसी तरह चले जाते हैं टूवर्ड द ब्रेन। डाइटरी चेंज फॉर लिवर डिजीज में इंक्लूड। अब देखिए, लिवर डिजीज के लिए हम किस तरह डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं। इससे पहले हमने गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए हमने मैनेजमेंट की कि वो कौन सी डाइट है जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन को जो है वो कास करती है, और इसके साथ वो कौन सी डाइट है जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करता है। और इसी तरह अगर एक पेशेंट की गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसके लिए हम फॉल्क रेमेडी या अल्टरनेटिव मेडिसिन हम किस तरह जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके बारे में हमने डिटेल से बात की। अब हम बात करेंगे डाइटरी चेंज फॉर लिवर डिजीज। अगर एक पेशेंट को लिवर डिजीज है, सिरोसिस है, जो है कोलेस्टेटिक लिवर डिजीज है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के फैटी लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस है, तो इसके लिए हम किस तरह डाइट मैनेज करते हैं। कटिंग डाउन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू ईट। तो देखिए, अगर एक पेशेंट की लीवर प्रॉब्लम्स है तो जाहिर बात है लीवर की जो है लीवर रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इसी तरह अगर एक पेशेंट है जिसकी लीवर डिजीज़ है तो हम उसके लिए फ्री फॉर्म हम उसके लिए प्रोटीन देते हैं, वो प्रोटीन जो कि कटिंग फॉर्म में होते हैं, वो एमिनो एसिड फॉर्म में होते हैं, ताकि लीवर को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना ना पड़े। दिस विल हेल्प लिमिट द बाइल्ड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट। और इसी तरह हमने ये भी बात की कि लीवर जो है ये एक एक्सक्रीटरी फैक्ट्री है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जितनी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स है जो कि हम विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट लेते हैं, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन इनसाइड द लीवर जो है वो हो जाती है। तो देखिए, अगर हम फ्री फॉर्म एमिनो एसिड दे रहे तो इसी तरह लीवर को हम टॉक्सिसिटी से बचा सकते हैं। इंक्रीज यूअर इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इसके बाद हम प्रोटीन की जो है वो इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ताकि हम जो है वो प्रोटीन को सेव रखें और हम एनर्जी अपनी कार्बोहाइड्रेट से हासिल करें। टेक विटामिंस, यानी विटामिन जो है ये इन्हांस कर लेता है एक्टिविटीज ऑफ द लीवर। इसके साथ साथ लिमिटिंग यूअर साल्ट इनटेक। साल्ट इन द डाइट में वर्सन फ्लूइड बाल्ट एंड स्वॉलिंग इन द स्वेलिंग इन द लिवर। इसके बाद हम एक पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपने साल्ट नहीं लेना है, क्योंकि साल्ट जो है ये एक हाइड्रोफिलिक है, साल्ट जो है ये वाटर लविंग है और ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसी तरह लीवर के अंदर जो है जब साल्ट की कम्पोजिशन हो जाए, साल्ट की डिपोजिशन हो जाए, तो लीवर स्वेल होता है और इस तरह लीवर की कंडीशन मजीद जो है वो वर्सन्स हो जाती है। ईट लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड। अगेन जो है हम एक पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करना है। कार्बोहाइड्रेट शुड बी द मेजर सोर्स ऑफ कैलोरीज इन दिस डाइट। तो देखिए, हमने बात की कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी लीवर के अंदर जो है वो हो जाती है, तो इसी तरह प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के जरिए मुख्तलिफ किस्म के यूरिया, मुख्तलिफ किस्म के एट द एंड यूरिक एसिड बन जाते हैं, और ये यूरिक एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो देखिए, अगर लीवर जो है ये अनेबल है टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी, तो इस कंडीशन में लीवर जो है वो प्रोटीन से यूरिक एसिड बनाने में वो फेल होता है, और इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट की एक कम्पोजिशन होती है, डिपोजिशन होती है इनसाइड द लीवर। तो इसलिए हम एक पेशेंट को बताते हैं कि देखिए, आपका लीवर कमज़ोर है, आपका लीवर अनेबल है टू मेक यूरिक एसिड फ्रॉम द प्रोटीन, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन का एंड मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आपने कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करना है, ताकि ईजिली उससे आप एनर्जी हासिल करें। इट अ मॉडरेट इंटेक ऑफ फैट इज प्रिस्क्राइब बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइड। और इसके बाद मॉडरेट यानी मीडियम लेवल पे आपने फैट्स भी जो है इस्तेमाल करना है। द इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हेल्प प्रिवेंट प्रोटीन ब्रेक डाउन इन द लिवर। और बार बार ये वर्ड्स आता है कि अगर हम फैट को इस्तेमाल करें स्मॉल क्वांटिटी में और लार्ज क्वांटिटी में हम कार्बोहाइड्रेट में इस्तेमाल करें, तो इसी वजह से प्रोटीन जो है वो बच जाता है और प्रोटीन की जो है वो मेटाबॉलिज्म नहीं होती लीवर के अंदर, और इसी तरह लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो नहीं पड़ती। Have about 1 gram of protein per kilogram of body weight or less depending on the severity of the liver problem. और ये बहुत ज़्यादा important है कि अगर एक patient को liver problem है तो इसको हम recommend कर लेते हैं कि आपने 1 gram of protein per kilogram के हिसाब से आपने लेना है daily, ताकि आपकी जितनी भी requirement है वो complete हो जाए, क्योंकि एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन जो है वो बॉडी के स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ किस्म के सेल डिविजन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। टेक विटामिन सप्लीमेंट एस्पेशली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। और हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपने बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इस्तेमाल करें, ताकि आपकी लीवर जो है वो हेल्थी हो जाए। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ साल्ट यू कंज्यूम टिपिकली लेस देन 1500 मिलीग्राम पर डे। और इस तरह हम एक पेशेंट को बताते हैं कि आपने 1500 ग्राम से कम जो है वो पर डे आपने साल्ट को इस्तेमाल करना है। इट्स में वर्सन फ्लूइड बिल्ड अप एंड स्वॉलविंग इन द लिवर। क्योंकि अगर आप 15 ग्राम से ज़्यादा जो है वो साल्ट ले ले तो ये आपकी कंडीशन को वर्सन कर लेता है, आपके लीवर को जो है वो स्वेल कर लेता है, अपने आपके प्रॉब्लम्स को जो है वो सीवियर बना लेता है।
रोल ऑफ नर्स इन लिवर डिजीज। अब देखिए लिवर डिजीज में एक नर्स का कौन सा रोल है, प्रोवाइड एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड वर्क्स विद द पेशेंट एंड देयर फैमिली केयर पर्टिकुलरली दोज विद क्रॉनिक लिवर डिजीज। यानी हम एक पेशेंट को एम्पैथी शो करेंगे, एक पेशेंट के साथ हम अपनी फीलिंग जो है वो शेयर करेंगे, एक पेशेंट को हम मोटिवेट करेंगे, एक पेशेंट की अगर इसी तरह वर्सन कंडीशन है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसके फैमिली को या वो लोग जो कि पेशेंट के अटेंडेंट है पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर लेते हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर इसी तरह क्रॉनिक लिवर डिजीज का कोई पेशेंट है, मतलब ये कि हम पेशेंट को सपोर्ट करेंगे, उसको काउंसिल करेंगे और उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। सपोर्ट पेशेंट एंड फैमिली केयर इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कंडीशन थ्रू पेशेंट एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। और इसी तरह अगर एक पेशेंट क्रॉनिक लिवर डिजीज के साथ है जिसकी रिकवरी की बहुत ज्यादा कम चांसेस है, तो इस कंडीशन में भी हम उसके फैमिली को, इस पेशेंट को हम काउंसिल करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे कि आपकी ये कंडीशन है, आपकी कंडीशन वर्सन की तरफ भी चली जा सकती है, और अगर उसकी कंडीशन अच्छे है तो हम उसको बताएंगे कि यूवर कंडीशन इज नॉट हार्मफुल एंड सून यू विल गेट रिकवरी। Undertake a comprehensive clinical assessment including risk profiling and follow up with appropriate action including referral to specialist for relevant acute and chronic health care condition। इसके बाद हम एक patient से as a whole हम उससे complete history लेंगे, clinical हम उससे assessment करेंगे और इसके बाद हम उसको refer करेंगे किसी hepatologist के पास, किसी gastroenterologist के पास, और हम उसको recommend कर लेते कि आपने फुला बंदे के पास जाना है, वो आपकी treatment जो है वो कर सकता है अगर एक patient जो है वो एक chronic या acute liver disease के साथ है। Assist in collaboration with the patient family carers, their health care needs taking into account the impact of their age, vulnerability, their lifestyle, culture, ethnic background। और इसके साथ साथ हम एक पेशेंट की असिस्मेंट करेंगे उसके जो है फैमिली हिस्ट्री के हवाले से, उसकी कम्युनिटी के हवाले से, उसकी कल्चर के हवाले से, क्योंकि कुछ कल्चर इस तरह होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यूरोपियन कल्चर की बात करें तो वहाँ पे लिवर सिरोसिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो लोग अल्कोहल एडिक्ट है और अल्कोहल जो है इट मे काज सिरोसिस ऑफ द लिवर। तो अगर इस तरह कोई पेशेंट जो है वो बिलोंग कर लेता है फ्रॉम सच सोसाइटी, फ्रॉम सच फैमिली हुज मोस्ट ऑफ द मेंबर आर अल्कोहल एडिक्ट, तो हम उसको गाइड कर लेते हैं, उसको असिस्ट कर लेते हैं कि आपने अल्कोहल को छोड़ना है, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो आपने उस क्वांटिटी को कम करना है, अगर आपकी कोई कल्चर इसी तरह जो है को रिलेट कर लेता है लिवर डिजीज के साथ तो हम उसके हवाले से पेशेंट को जो है वो गाइड करेंगे। मतलब यह है कि कम्युनिटी में जितनी भी चीज़ें हैं जो कि काज करती है लिवर सिरोसिस को, हम उसके हवाले से पेशेंट को एजुकेट करेंगे, पेशेंट के करियर को या वो लोग जो कि पेशेंट को सपोर्ट देते हैं, पेशेंट को जो है वो केयर प्रोवाइड कर लेते हैं, उन लोगों को हम सपोर्ट कर लेते हैं ताकि वो इन पेशेंट को जितनी भी फैसिलिटीज है वो उनको टाइम पे प्रोवाइड करें। डिवेलप एंड इवेलुएट अ सेल्फ मैनेजमेंट प्लान विद द पेशेंट हु हैज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर टू लिवर डिजीज। इसके साथ साथ अगर एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल उसको कोई लिवर डिजीज नहीं है लेकिन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, प्रीडिस्पोजिंग का मतलब यह है कि वो फैक्टर प्रेजेंट है जो कि फ्यूचर में लिवर डिजीज को काज कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, अभी उसने जो है रिसेंटली जो है वो अल्कोहल एडिक्शन स्टार्ट की, वो अल्कोहल इंटेक उसने स्टार्ट की, तो देखिए ये फ्यूचर में एट रिस्क है लिवर सिरोसिस के लिए। तो हम इसी तरह अगर एक पेशेंट के साथ हमारा वस्त पड़े तो हम उसको गाइड कर लेते, उसको मोटिवेट कर लेते, उसको काउंसिल कर लेते कि अपने अल्कोहल को छोड़ना है। वर्क अलॉन्ग साइड विद द पेशेंट एंड फैमिलीज टू एड्रेस द साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ देयर कंडीशन। और इसके बाद हम एक पेशेंट की जितने भी साइकोलॉजिकल या उसकी सोशल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बेस पे हम उसको गाइड कर लेते हैं और उसको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर लेते हैं। प्रोवाइड स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट ऑप्शन सेफली। और इस तरह हम पेशेंट को उसके जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मुख्तलिफ किस्म के RFTs है, लिवर फंक्शन LFTs है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के लिवर बायोप्सीज है, मुख्तलिफ किस्म के CBCs के जरिए हम देखते हैं, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट या वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि हम लिवर की डिजीज के लिए हम कर सकते हैं हम एक पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, एक पेशेंट को हम वो एक्सप्लेन करेंगे। यूज अर्ली वार्निंग टूल्स अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई द पेशेंट चेंजिंग एंड डिटोरियोरेटिंग कंडीशन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। और इसके बाद हम एक पेशेंट की जितने भी वार्निंग टूल्स है वो कंडीशन जो कि पेशेंट की कंडीशन को मजीद सिवियर बना लेता है और वो अप्रोच अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें जो कि पेशेंट को एट रिस्क बना देता है, हम उसको चेंज करने के लिए हम पेशेंट को गाइड करेंगे, हम पेशेंट को अप्रोप्रिएट एक्शंस बताएंगे कि आपने ये एक्शंस लेना है और इस एक्शंस के जरिए आपका प्रॉब्लम जो है वो चेंज हो सकता है, आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल।